कल जोड़ी बिनती के करियो बहन के हमार, कल जोड़ी बिनती के बहन करियो चारना बहन। क्या बात है कि देख रही है दोनों परानी दोनों व्यक्ति की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी, ऐसी क्या खास सती बात है। शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे बा, कलेजा दो टुकड़े हो जाएंगे। ये अचानक मुसीबत कहाँ से तुम्हारे पास चले आया है। हाँ मुसीबत तो ऐसी आ गई है बहन, मजबूरन मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं भी तुम लोग के सामने यही मजबूरी सुनने के लिए आई कि अचानक मेरे घर में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गया कि मेरे गोतनी मेरे देवर मुझसे पीरान हो रहा है, मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसमें रिश्ता तोड़ने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी ऑर्डर हो तो मैं सारी वातावरण कह करके सुना सकती हूँ। इजाजत ही इजाजत है बहन। बात यही है, बड़े मालिक और मेरे स्वामीनाथ ने दोनों भाई ने दोनों बच्चा को मैदान में भेजे थे क्रिकेट सीखने के लिए। दोनों बच्चा ने दोनों मैदान में बड़े ही खुशी के साथ गया मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए। दोनों बच्चा ने खेलते खेलते ऐसा हुआ कि मैदान में ऐसी घटना घट गई कि मेरे बेटा के हाथ से एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि तीन बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। गेंद गिरने के कारण इंदर सिंह ने मेरे बेटे को मारते बिल्ली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और तरवार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के कि जाओ तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलकते हुए मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि माँ अगर राज का बंटवारा नहीं करेगी यानी तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के अपना प्राण को तेज दूंगा। बहन भगवान दो नहीं चार नहीं छह नहीं आठ नहीं दस नहीं सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर किसी दरियों में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में। बहन हाँ मैं भी समझती कि दुनिया संसार में अगर कोई भी पिता है तो सबसे बड़ा संपत्ति उसका बेटा है। तुम्हारी कहना बिल्कुल सच है कि दो चार बेटा नहीं है एक बेटा है, लेकिन समझौता अगर करेगी तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये बच्चे वाली बात है ना, तुमसे मुझे कोई झगड़ा हुआ ना मेरे स्वामीनाथ से मेरे देवर को हुआ है, किसी से किसी को झगड़ा नहीं हुआ है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि बच्चे को किसी तरह मना ना होना के खिला पिला के सोना देना चाहिए ताकि बच्चा वो रात भर अलग अलग सोएगा सुबह गुस्सा दूर हो जाएगा फिर वो बच्चा एक ही जगह खेलने के लिए चले जाता है। कहावत में कहा गया है निकल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जबान में आत्मा शरीर में। बच्चे के बोलने की कोई गारंटी नहीं रहती है, झगड़ने का कोई कोई मतलब नहीं रहता है, गाली गलियों करने का कोई ठिकाना नहीं रहता कि किस्ते में गाली हो चल जाएगा किस्ते में मारपीट चल जाएगा। बच्चा है नादान है, अगर बच्चे की बात पर चलेगी अभी से तू बच्चा के मन को बढ़ा रही है और जो कोई इंसान गार्जियन बच्चे की बात पर चलता है बच्चे के मन को बढ़ाता है वही बच्चा अपने गार्जियन को आगे चल के बहुत बड़ा धक्का देता है। क्या करूंगी मैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है फिर इनरजीत के दिल में चोट पहुंचा हुआ है। हाँ। उसको राज चाहिए। हाँ राज चाहिए उसे, आज से पूरे संपत्ति अमरजीत के ले ले
सारी संपत्ति की मालिक अमरजीत है, सारा दौलत खजाना की मालिक अमरजीत है, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं यूं ही जिंदगी गुजार लूंगी ताकि लिए मेरे बच्चा खुश हो जाए। और जाके कह दे अमरजीत बेटा तूने आधा राज मांग रहा था ना, आज देख तेरे बड़ी मम्मी ने पूरे राज की मालिक तुझे बना दिया, पूरे संपत्ति की मालिक तू बन गया। बच्चा की दिल खुश हो जाएगा, उछल कर तुम्हारी गोदी में खेलने के लिए चले जाएगा, शौक से खाना खाएगा, चैन से सोएगा। क्या करूंगी बहन, मेरा बेटा को पूरा राज नहीं चाहिए, मेरा बेटा को सारी संपत्ति नहीं चाहिए, जितना उसको हक हिस्सा है उतना ही चाहिए। उसमें जब खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा, वो आधा राज बांट करके दे दे, आधा में तू रहो आधा में मैं रहूंगी, बात खत्म है इसी जगह से, दोनों बच्चा खुश रहेगा। मतलब निकल गया तो पहचानती नहीं हो, यही बात मतलब जो बच्चा आधा रोटी के लिए दौड़ रहा है, आधा रोटी के लिए तड़प रहा है, वो इंसान को अगर पूरे सौ से रोटी दीजिए दे दीजिए तो कितनी खुशी से लेगा हो। इसका मतलब है कि ये अमरजीत नहीं कर रहा, तुम कर रही है, मौका की फायदा उठा रही है कि राज बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन इससे मिलेगा कुछ नहीं। जहां तक ये वीरान की पहर है, नाश की घंटी बज रही है, संभालना है तो संभाल जो, न तो कोई बात नहीं है, बच्चे को बढ़ा मन को जितना बढ़ाना बढ़ा दे। बहन जब थोड़ी सी बात में इतनी बड़ी बात कह रही है, समझने की बात है। जब बच्चा कह रहा है कि मां राज का बटवारा कर ले, इसमें मैं सारी जिंदगी खुशी में रहूंगा, तो बांट करके देने में क्या लगती है तुमको? मुझे डर होती है, मैं बेमान हूं ना, इसलिए मुझे देने में डर लगती है। तू देख रही है ना, दोनों भाई की मिलती है स्वर्ग की तरह, ये राज चल रहा है, दोनों गोतनी में मिलती है, ये राज में देवगन की बसेरा है, चारों ओर से इंजोला है। आज एक बच्चे की बात पर राज बांटने के लिए तैयार हो गई है, दुनिया के लोग जानेंगे, सभी को खबर होगा, तो क्या यही ना कहेगा रुदन सिंह में कितना नादानी था, वो दोनों भाई में कितना प्रेम था, लेकिन एक बच्चे की बात में दोनों भाई ने राज पाठ बांटने के लिए तैयार हो गया, घर को वीरान कर दिया। क्या करूंगी मैं, या राज के चलते मेरा अगर बच्चा मर जाएगा तो क्या करूंगी, राज को लेकर के तलाक पर चर्ची बना करके चाचूंगी क्या? बहुत कर रही है तू, रैर मोगी नटा के फौरन दे ले लिया तू, बहुत का बाप पकड़ाने लगी है तू, राज कर रही है, मैं प्यार तो समझा रही तू, आग बगुला उगल रही है, क्यों नहीं हो जाऊंगी? एक बच्चा उगल का दिया, तुम्हारा पिता का गर्दन काट दिया तो काट लेने लिया, बच्चा था बच्चा बोलने की कोई गारंटी रहता है? तोर पति तोर से तुम्हारी बात पर, ये राज को बांट दूंगी एक बच्चा की बात पर, कल तेरा बेटा कहेगा माँ ये राज का बंटवारा हो गया, एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार खड़ा कर दे, तुम्हारी जैसी लाजिन औरत भयारी की रिश्ता तोड़ने के लिए दीवार में खड़ा कर देगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ जब एक राज बंटवारा हो गया, एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ढट्टी ठोक दे, तू मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए बीच में ढट्टी ठोक देगी। बहुत बात का बनाने लगी है, तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी तगा है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मन में कितनी बड़ी बात है, मेरी मन में है, यही है सोचती है कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी भर नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे, बारे कानून। तुम्हें तो कानून की किताब नहीं पढ़ी है, मैं भी पढ़ी हूँ, समझ गई ना, लेकिन परगट काल बिना से बुद्धि तेरी विवेक खत्म हो गया है। हाँ मेरी विवेक खत्म हो गई है, क्या नजर उठा के तेरा पति गुलाम है, नौकर बना हुआ है, सकल देख तो अपनी रानी बनी हुई है कि नौकरनी बनी हुई है, वीरान करने के लिए तैयार हो गई है, करता वीरान, एक चुटकी सिंदूर तेरे मान में दे दिया, तुम्हारा पति हो गया, इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी में दिया तुझे मालूम है? जिस दिन मेरे तोला लाने के लिए गया था मैं नकिला, मेरे पिताजी का साई बन गया था, मेरा भाई चंडाल बन गया था, हजारों सैनासे से घेर लिया था, कोई रास्ता काली नहीं थी, जो भाग था वहां से, मैंने अपनी कमर में लंगी तलवार बांधकर सबसे पहले अपने भाई की गर्दन को काट दिया था मैंने, उसके बाद मैंने अपने पिता पर थप दौड़ी, सारे सेना को छकरते हुए लेकर भाग कर मैं मोदी खिलाई हूँ, आज से तू मेरी नौकर बना रहा है, तुम नौकर नहीं बना रही है, लुटा दे ये संपत्ति को, नहीं चाहिए मुझे पांच माल की बिल्डिंग, नहीं चाहिए सोना चांदी की खजाना, लेकिन हाथ जोड़ कर इससे जुदा मत कर मुझे,
बहुत आ गई तुम्हारी हमदर्दी, ये हमदर्दी नहीं चलेगा। जो चल गया चलने वाली बात नहीं है। क्यों चलेगा? राज का बड़े बड़ा कर दो, मैं कहती हूँ चलेगा। भूत सवार जिसको होता किसी की बात थोड़े। तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी तगा है, इसलिए सब पूरे दे रही उन्हें, पूरा लोभ लालच है तुम्हारे मन में, इसीलिए बड़े बड़ा करने के लिए नहीं चाहती है। मेरी मन में तगा रहती तो पूरे संपत्ति नहीं देती तुझे, सब संपत्ति की मालिक नहीं बनाती, लेकिन नागिन बन गई है तू, बात को बढ़ा रही है तू आगे, बात को तू बना रही है, राज को बड़े बड़ा करने के लिए नहीं चाहती है। सारी जिंदगी सारी संपत्ति को हड़प करके रहना जीना चाहती है तू, और मेरा बेटा मर जाएगा इसके लिए तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मेरे स्वामीनाथ के सर पर बहुत बड़ा भार जाएगा, वो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे नागिन को अगर 1 किलो दूध भेजिए, जेठानी का भी बेटा रहेगा उसको तो पौट के पहले छाली अपना बेटा को खिलाएगा। देखिए मेरी शरीर को भी, इसके भी शरीर को देखिए, कौन ज्यादा खाती है, किसको मैं कितना मानती हूँ, मुझे लालची बना रही है ना। बने बहाना के चलत बहन के हमार, या बने बहाना के बहन चलत महाबी, तेरा दई सिर पर गलौ सब चरा गे सपा, नाचै छौ गिर भी तगदने तोरे सिर समत लिखा लग बहन मेटलो न जा, कि समत लिखा लग बहन मेटलो न जा। देवर भाभी जी, मैं सारी बातों को समझ गई। अब ये तुम कितनों भी कहेगी तो ये बात
अब सुलझने वाला नहीं है। आइए आप है श्रीकांत भगत जी का लड़का मिथिलेश कुमार सौर बाजार, उनके तरफ से शानदार 21 नंबर पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। भाभी जी तुम जा करके यहाँ से भाई साहब के दरबार जाओ और भाई साहब को बोल दो जितना जल्द होगा ये राज को बंटवारा करने के लिए। राजिंदर राम सौर बाजार भैलवा निवासी, उनके तरफ से 10 रुपए पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। भाभी जी अगर ये राज भाई साहब बंटवारा नहीं करेंगे तो दोनों भैयारी में कटा कटवन शुरू हो जाएगा, मारपीट दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। या भाई साहब मेरा गर्दन काट ले या भाई साहब का गर्दन दंग हम काट लेंगे, नहीं तो जा करके बोल दो कि जितना जल्द होगा ये राज को बंटवारा करने के लिए। 5 मिनट के लिए मोहलत मांगती हूँ, 5 मिनट में ये राज बंटवारा हो जाएगा। ठीक है ठीक है, जो तुम लोग को मन में है वही करके सोना रानी दिखाएगी। राज का बंटवारा कर दे इसी में सबकी भलाई है। अगर राज का बंटवारा करके नहीं दी तो दोबारा अगर फूला रानी सोना रानी के सामने में आ गई तो सोना रानी का झोटा पकड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जा रही है अगर दुर्गा सुने का जब के बाद चल गई फूल आगे महल, दुर्गा सुने का जब के बाद चले फूल आगे महल, नहीं सुने काली माँ है काली है कलकत्ते वाली, सुने काली माँ है काली है कलकत्ते वाली, चल गई फूल महल चली जा चल गई फूल हो चल गई फूल महल चली जा जहाँ पर गया है रानी फूल बाहर आगे सोना रानी। हेलो हेलो, अपनी औकात तूने दिखा के चली गई। ये मत सोच कि तू मुझे जलील कर रही थी, टाइट बना रही थी, लालची बना रही थी। मैं तेरी बर्दाश्त यही कर रही थी कि मैं तुझे बेटी की दर्जा देकर ये घर में रखी थी, लेकिन आज तूने सारी दिल को तोड़ दिया, जाते जाते मेरी झोटा भी उखाड़ के चली गई। झोटा क्या उखाड़ेगी गे, तू तो सोया हुआ नागिन को जगा कर गई है। ये नागिन को डसने में टाइम नहीं लगती है, सामने मेरे बाप भी आ जाए तो मैं उसको भी डस लेती कि पानी तक नहीं मांगता है। तू अपने पति के सामने में नाच नाच कर मुझे डाइन बना रही थी, संपत्ति की लालची बना रही थी, मैं बर्दाश्त कर रही थी। नाचने के लिए मुझे भी आती है, मैं भी जा रही हूँ अपने पति के पास नाचने के लिए। वो कटेली नचनिया हूँ कि ऐसी नाच मैं नाचूंगी अभी पति के पास कि तुमको बन के गिदर बना दूंगी। देख अब तुम रानी है तुलारिया ये यही ना लौट के दरबार। अरे तब महाराजा दया बरसा यहाँ के बरसा यहाँ माजोर, तब महाराजा दया बरसा यहाँ के बरसा यहाँ माजोर। चोरी कहना मनो हम चोरी चोरी का ललकारा, चोरी कहना मन हम। स्वामी सुनिया आरजिया अब
करिया चारा गए हे ना दाना रानी तू लहिन हमार ला गए ना दाना रानी बाबू तरुदल सिंह। वाह रानी वाह, क्या बात है। और कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की दिक्कत? आप तो कह रहे थे कि दोनों परानी आग बबूला उगल रही है, गुस्सा के मारे काला नाग बना हुआ है। लेकिन उन लोग के पास जब मैं गई, देवर दोनों बैठ कर कोई विचार कर रहे थे। एकाएक मैंने पहुंच गई उन लोग के पास, देवर नजर उठा के जैसे देखता है मुझे, शर्म के मारे चल दिया वहां से। गोतनी मेरी लाश के मारे सुकूर के बैठ गई। कुछ देर के बाद मैंने कही, क्यों क्यों लजा रही है, अभी शर्म कर रही है मुझसे? कल के दिन में बड़े मालिक के पास गई थी, ठस बात कर रही थी, तो यही ना सोची थी कितनी साल के बाद बड़े मालिक से जवाब करी तो मुंह बजाय में मुझे इलाम बख्शी मिलेगा। तुम बोले? जी जी जी। पापा अगली शर्मिंदा कर दी होगी तुम तो। वो ने कई बार मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई जो मैं बड़े मालिक के दरबार पहुंच गई। मैंने कहा ऐसी गलती क्यों किया? उन्होंने कही कि मुझसे की बार मेरी दिल में कुछ लालसा बाकी था, मैंने पति के पीछे पीछे टहलते एकाएक बड़े मालिक के पास मैंने पहुंचा। ऐसा बोली? जी जी जी। अच्छा अच्छा। लालसा कैसी थी उसका? वो ने कहा कि इतनी दिन मुझे ये राज मोबी में बीत गया, आज तक बड़े मालिक की दरबार में नहीं देखी थी कि बड़े मालिक की दरबार कैसा है, कैसा उसका सिंहासन है, कि वो दरबार में बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े मंगल पठान पहुंचते हैं। बात तो सही है, फिर क्या हुआ? यही देखने के लिए आई थी। मैंने समझा बुझा के वहां से चली, लौट कर वापस आ रही थी। वो आवाज लगेगी बाद जाते जाते एक बात और सुनकर जो मेरी दिल में लालसा है, मैंने कही कि जो भी कहना है अभी तो कह दे। बिल्कुल सही बोली, अभी का हर ख्वाहिश हर लालसा को पूरी करूंगी। वो ने कही उस दिन जो बड़े मालिक के दरबार में गई थी बात, सारा चीज बिल्कुल ठीक है, कोई चीज की कमी नहीं है, सिंहासन भी ठीक है, लेकिन दरबार में एक ही चीज की कमी है। हाँ, एक चीज की कमी है। हेलो हेलो हेलो।
सॉरी दरबार में आज तक ऐसी चीज की किसी चीज का कमी नहीं हुई है। आज पहली बार छोटी बहू रानी बोल रही है कि दरबार में एक चीज की कमी है। शायद उसके नजर में कोई कमी आई होगी तो तुम कह करके सुना कि ऐसा कौन सा चीज है कि दरबार में कमी है बताऊं? हाँ छोटी गोदरी की यही कहना हुआ कि वो दरबार में कोई चीज की कमी नहीं, एक चीज की कमी है। कौन चीज की? कुर्सी की। वो कहे की बहन तो दरबार में अगर दो कुर्सी लग जाए दोनों भाई होते बैठ कर विचार विमर्श करे तो धीरे धीरे वो दरबार की मान्यता और शोभा आगे बढ़ते जाएगा। इतनी सी छोटी सी बात उससे बोलती दो चार पांच दस जितने कहेंगे उतना लगा देंगे ताकि परिवार मेरा खुश रहे। उतना लगाने की जरूरत नहीं है बाबा। अच्छा दो कुर्सी लगा दी, एक लगा हुआ एक कुर्सी और लगा दीजिए और कह दीजिए, बोला लीजिए रुदन सिंह को, कह दीजिए रुदन सिंह आज से इसी तारीख से ये कुर्सी तुम्हारा है, ये कुर्सी मेरा है और ये बीच से राज्य बंटवारा है। बुखार उतार देंगे हरामजादी जुबान पर एक लफ्ज लाई कि समझ लीजिए लाज बटवारा हो गया। मारते बिजली गोला से गोला बदल को काला करेंगे। बताइए बड़ी पंचायती करने के लिए आएगी, समझ लीजिए बंटवारा हो गया। किसी बाप का राज है जो कहीं वही होगा। क्या करेगा वो लोग? मालिक बना दिया था स्टोनो बाबू, मत बनिए। जितना तुम्हारा आपका बेटा उतना प्यारा उसका भी बेटा है, जितनी प्यारी आपकी पत्नी मैं उतनी तुलारी उसकी भी पत्नी है। अगर उसका बेटा मर जाएगा बहुत खुशी मनाइएगा, उसकी पत्नी मर जाएगी तब तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे कोई नहीं मरता है, बहाना उसका बहाना है, बेसी नवरात बनते हैं। समझ लीजिए बंटवारा हो गया। उस दिन जब आया दोनों को जब दो चार लाइन बात किया तो मोगी की तरह बैठ कर रो रहे थे तो बोला लिए मुझे, रानी तुम्हारी गुतनी है, तुम्हारा देवर है, जाओ तो अपने देवर को मना लेना, अपनी गुतनी को मना लेना। उन लोगों के पास गई तो मेरा इज्जत किया, मेरी मान सम्मान किया, वो मुझे लोटा में पानी दिया पीने के लिए, चूरा उखाड़ने के लिए भीड़ गया। जब से तो मीठी मीठी गोली दे रही थी मेरा मान सम्मान बहुत हुआ, मेरे देख करके सुकुर गई है, अभी आंख से आंसू टपका रही। क्या बात है? सही सही बोल। अगर राज को नहीं बांटिएगा रुदन सिंह का कहना कि जाके कह दे दोबारा मैं लौट कर जाऊंगा तो मेरा तलवार को कोई नहीं रोक सकता है। रुदन सिंह बोला, रुदन सिंह मुझसे बोला, वो गोतनी मुझसे कही, वो नागिन कि अगर राज को नहीं बंटवारा किया तो तेरी चूरा पकड़ कर तेरे पति के सामने उठा उठा कर मैं पटकूंगी। उसकी पत्नी बोली तुमसे? ऐसा ही बोली है मुझसे, जूरा काट लेंगे उठा उठा पटकेंगे। मुंह बंद कर हरामजादी, मुंह बंद कर। अरे साला ये राज लेकर के क्या करेंगे जब हम दोनों पति पत्नी का मान मर्यादा इज्जत नहीं रहेगा, इसको धो करके भेंगे। अभी बोला इसी बंद बोला, साला सब कुछ भाड़ में गया लेकिन प्रतिष्ठा बचा। बोला अभी 10 मिनट के अंदर मैं राज को बटवा दे। बोला मान रही बेटी के साथ, कोई बेटा बेटी में सब रिश्ता भाड़ में गया। चूरा पा काटी ललक गई रानी सो सता ये टूटा लई रानी ये हमार नाता बाई
समान रुदल सिंह जब पापा चाले सामी मोदी नरबेला बना मिला दिए रहला तुम ये भैया चलती बोला दारानी तू सामान क्या जाए अब कोई रिश्ता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई गोत नहीं, सब भाड़ में गया, सब नाता टूट गया। क्यों जाएगा?